अनुज, चांदी को अगर देखें, जिस तरह से सोने में चाल बनी है, वैसी चाल चांदी में नहीं आई है। चांदी क्यों पिछड़ रही है? मेरे हिसाब से चांदी में जो गिरावट का एक रीजन है वो है आपकी इंडस्ट्रियल मेटल। अगर आप देखेंगे तो जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल है, चाहे वो कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे लेड हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, सभी में हमने पीछे गिरावट देखी थी, क्योंकि चाइना के डेटा अच्छे नहीं आए थे। चाइना में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो डिमांड थी वो पीछे होती हुई दिखाई दी थी। मगर अब सडनली जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने क्लियर किया कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है और आगे चलकर उनको कोई पैनिक नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। आगे वो इंटरेस्ट रेट कट ही करेंगे, इट मीन्स उनकी जो इकोनॉमी है वो बैलेंस हो रही है, धीरे धीरे एक प्रोग्रेस की तरफ जा रही है। तो ये स्टेटमेंट आने के बाद हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल मेटल की खरीदारी थी वो बढ़ती हुई दिखाई दी। हमने देखा था रिसेंटली $26 तक चांदी के भाव आ गए थे, उसके बाद से उठकर दोबारा से अब $31.5 के भाव आए हैं। इनफैक्ट हमने देखा था कस्टम ड्यूटी कट होने के बाद 78,000 तक एमसीएक्स का भाव गिर गए थे, वहां से उठकर आप अगेन 91,000 के आसपास भाव आते हुए दिखाई दिए। तो ये जो रैली हुई है ये कहीं ना कहीं ये खरीदारी का मौका थी। और जिस तरीके से चाइना और फेडरल रिजर्व की तरफ से स्टेटमेंट आया कि नाउ दे आर ग्रोइंग, दे आर रिकवरिंग फ्रॉम द लोअर, तो बॉटम फिशिंग उनकी इकोनॉमी में दिख रही है, तो उसकी वजह से लग रहा है कि जो इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड है वो आगे कंटिन्यू हो सकती है। अगर इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली सिल्वर सबसे पहले जो है आगे अग्रसर होगी, क्योंकि सिल्वर का डिमांड अगर आप देखेंगे तो प्रीशियस मेटल के अलावा सब जगह होने लगा है, चाहे वो आपके सोलर पैनल्स हो, चाहे लिथियम बैटरीज हो, चाहे आपकी ईवीज हो, चाहे मोबाइल फोन हो, सभी के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि ये जो फिलहाल अभी ट्रेंड चल रहा है इसमें इंडस्ट्रियल मेटल अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे, और गोल्ड का टेंडम तो सिल्वर को मिलता ही है हमेशा। तो मुझे लगता है कि अब सिल्वर के अंदर जो रैली बनी है ये एटलीस्ट कम से कम एक्सपेक्टिंग की $35 से लेकर $40 तक जा सकती है। और मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम हम 2-3 हजार पॉइंट से रह गए थे 1 लाख को टेस्ट करने में, इस बार वो 2-3 हजार पॉइंट भी निकालता हुआ दिखाई देगा, डेफिनेटली सिल्वर जो है 5 फिगर को टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। जी, $35 के ऊपर का भी भाव, सुमेश लगता है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर का ब्रेकआउट आने वाला है, ऐसा है क्या? जी राजीव, तो मेरे हिसाब से मैंने नॉर्मली हमेशा सिल्वर को एक गोल्ड का ट्रेल पाया है, तो ये ट्रेलिंग बेसिस पे निकलेगा आगे, मेरा ऐसा अंदाजा है। देखिए, गोल्ड पहले इसलिए भी जाता है कि गोल्ड का जो स्टोर वैल्यू है वो सिल्वर से बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो बड़े अमाउंट का गोल्ड एक छोटे से बैंक के लॉकर में डाल सकते हैं, लेकिन उतने ही अमाउंट का सिल्वर खरीद के रखने के लिए आपको ज़्यादा जगह ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर गोल्ड एक लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो फिर एक ऑल्टरनेट कमोडिटी सिल्वर हमेशा इसको ट्रेल करती है। मेरे एनालिसिस में कोरिलेशन हाई होता है, इंडस्ट्रियल कमोडिटी होने के बावजूद भी मेरा ऐसा अंदाजा है कि इथ विथ ट्रेल सिल्वर भी नया हाई बनाएगा, बिकॉज गोल्ड का नया हाई बन चुका है। और हमने नॉर्मली यही कंपैरिजन रखा था कि अबाउट 2600 गोल्ड एंड $31 सिल्वर, ऑलमोस्ट 33 हो जाना चाहिए सिल्वर भी, और उसके बाद फर्दर ब्रेकआउट भी इसके आने चाहिए, बिकॉज गोल्ड का ब्रेकआउट हो चुका है बट विथ सम लैग। जी,